सो हेलो लवलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल, एपिसोड 5 की शुरुआत में हान अपने मन में कहने लगती है कि स्कूल टाइम में जियोंग के पीछे काफ़ी सारी लड़कियां पागल थी, लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आया कि वो क्यों जियोंग के पीछे पागल है। मुझे तो लगता था कि उनकी पसंद जो है बिल्कुल ही खराब है, इसीलिए वो जियोंग को पसंद कर रही है। इतना ही नहीं, इवन जियोंग भी यही सोचता था। जियोंग के सारे फ्रेंड्स हान को काफी ब्यूटीफुल मानते थे, वो सोचते थे कि हान सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है, पर जियोंग की नजरों में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने जब भी हान को देखा, उसे कभी भी हान में से प्रीटी वाली तो फीलिंग कभी नहीं आई। बट अब प्रेजेंट में हान और जियोंग का मानना था कि उनकी फीलिंग्स पता नहीं पास्ट में ऐसी क्यों थी, लेकिन अब दोनों को ही काफी मजा आता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने में। पता नहीं क्यों, लेकिन दोनों को ही एक दूसरे के साथ रहना काफी ज्यादा पसंद है। पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी उन्हें कुछ समझ नहीं आता, उन दोनों को एक दूसरे का ही ख्याल आता है। वेल, अब इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर जियोंग हान के पास पहुँच चुका था। वेल, यहाँ पर हान जियोंग से पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आ रखे हो, जिसके बाद जियोंग हान को अब सब कुछ सच सच बता देता है कि एक्चुअली में कियोन मिन ने डॉक्टर्स को पहले हान के बारे में बता दिया था, और इसी रीजन की वजह से हान का इंटरव्यू होने से पहले जो है रिजेक्ट हो गया। वेल, हान को ये बात सुनकर हल्का सा दुख फील होता है, लेकिन जियोंग हान को कहने लगता है कि जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, क्योंकि अगर एक बार तुम इंटरव्यू दे देती और इवन सेलेक्ट भी हो जाती, लेकिन बाद में कभी ना कभी तो डॉक्टर्स लोगों को इस बारे में पता चलता ही चलता, जिसके चलते तुम अभी रिजेक्ट हो गई वो ज्यादा अच्छा रहा, अदरवाइज तुम आगे चल के हॉस्पिटल से निकाली जाती। इसके साथ साथ थान जियोंग से क्वेश्चन करते हुए कहने लगती है कि तुम इतनी दूर से सिर्फ और सिर्फ यही बात बताने के लिए यहाँ पर आए। ऑफ कोर्स ये बात सुनकर जियोंग भी काफी कंफ्यूज्ड हो जाता है। जियोंग को समझ नहीं आता कि वो हान को इस चीज का कैसे जवाब दे। जियोंग तो यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि उसे हान की फिक्र थी। उसे फिक्र ये थी कि कहीं हान वहीं पे बैठ के रोने ना लग जाए, लेकिन इस बारे में जियोंग हान को डायरेक्टली थोड़ा बता सकता था, जिसके चलते जियोंग हान से झूठ कहने लगता है कि मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ। मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि मुझे कहीं घूमने जाना चाहिए, तभी अचानक से मुझे याद आया कि हान जिस लोकेशन में गई हुई है वहाँ पर तो मैं कभी गया ही नहीं, जिसके चलते मैंने सोचा कि क्यों ना हान वहाँ पर गई हुई है तो मैं हान को ये न्यूज बता भी दूंगा और इसके साथ साथ वहाँ पर घूम के भी आ जाऊंगा। और यहाँ पर हान भी जियोंग की ये बात सच समझ लेती है, जिसके चलते जब जियोंग खाना लेने के लिए जाता है तो हान तुरंत ही जियोंग को रोकते हुए कहने लगती है कि तुम तो यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए थे ना, तो चलो हम दोनों साथ में घूम के आते हैं। अब ये लोग पूरे के पूरे एरिया को काफी अच्छे से घूमते हैं। इवन यहाँ पर हान साइकिल चलाते चलाते जियोंग से कहने लगती है कि चलो हम लोग कॉम्पिटिशन रखते हैं, जो भी सबसे पहले टॉप पे पहुंचेगा उसे मौका मिलेगा दूसरे पर्सन के हेड पे फ्लिक करने का। तब होना क्या था, दोनों के दोनों लग जाते हैं साइकिल कॉम्पिटिशन करने में, जहाँ पर शुरुआत में भले ही हान चीटिंग करते हुए गेट सेट गो कहने से पहले जो है अपनी साइकिल चलाना शुरू कर देती है, लेकिन इसके बावजूद भी जियोंग इतनी स्पीड में साइकिल चलाता है कि वो देखते ही देखते हान को बीट कर देता है। और जैसा कि इनके गेम का रूल था, जो भी पर्सन जीतेगा उसे मौका मिलेगा दूसरे पर्सन के हेड में फ्लिक करने का, जिसके चलते हान भी अपनी हार को एक्सेप्ट करते हुए तुरंत ही जियोंग के पास चली जाती है अपने हेड को लेके, ताकि जियोंग उसके हेड में फ्लिक कर सके। वेल, इस मोमेंट ऑफ टाइम में दोनों के दोनों काफी ज्यादा क्लोज थे। इवन हान ने तो अपनी आंखें बंद करी हुई थी, वहीं पे जियोंग तो अपनी आंखें खोल के रखा हुआ था, जिसके चलते जैसे ही जियोंग हान के हेड पे फ्लिक करने की सोचता है तो जियोंग से ये हो ही नहीं पाता। जियोंग का तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान था हान के फेस के ऊपर, और इवन हान भी जैसी अपनी आंखें खोलती है तो जियोंग के इतने ज्यादा खुद को करीब देखकर थोड़ा सा अजीब फील करती है, जिसके बाद जियोंग हल्के से हान के सर पे फ्लिक कर देता है। वेल, अब ऐसे ये दोनों घूमते रहते हैं, जहाँ पर इवन जियोंग हान की काफी सारी फोटोज भी क्लिक करता है, क्योंकि हान तो कभी घूमने गई नहीं, यानी कि हान की फोटो तो होगी ही नहीं घूमने की। इसके साथ साथ हान जियोंग को साथ में फोटो क्लिक करने के लिए भी कहती है, क्योंकि ऑफ कोर्स इनके पास ग्रुप फोटो भी होने चाहिए। जहाँ पर शुरुआत में फोटो क्लिक करते टाइम ये दोनों के दोनों एक दूसरे से इतनी ज्यादा दूर खड़े हो रखे थे मानो कि एक दूसरे को जानते तक ना हो, लेकिन जैसे ये दोनों के दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं तो तुरंत ही काफी सारी अच्छी अच्छी फोटोज भी साथ में क्लिक करते हैं। विलाज तो इनका दिन काफी मस्त गया। इसके साथ साथ जियोंग बार बार हान की फोटो को जूम कर करके देखने में लगा हुआ था, जिसे इवन हान भी नोटिस कर लेती है और जियोंग से पूछने लगती है कि तुम मेरी फोटो बार बार जूम क्यों कर रहे हो, जिस पर जियोंग बहाना बनाते हुए ये कहने लग जाता है कि मैं ये चेक कर रहा हूँ कि तुम्हारे फेस में कितना वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं। अब ऐसी रात हो जाती है, जहाँ पर इनकी 9 बजे की ट्रेन थी और अभी भी इनके पास 10 मिनट बाकी थे स्टेशन पहुँचने के। जहाँ पर ये लोग स्टेशन की तरफ जा ही रहे थे कि तभी अचानक से इनके सामने एक आदमी के दिल में काफी तेज दर्द होने लगता है, और वहीं पे इस रीजन की वजह से वो बेहोश भी हो जाता है। वेल, सिचुएशन को देखकर दोनों ही समझ चुके थे कि उस पर्सन को हार्ट अटैक आया है, जिसके चलते जियोंग तुरंत ही उस आदमी के पास जाकर उसे सीटीआर देने लग जाता है। पर यहाँ पर सीटीआर देते देते अचानक से जियोंग अपनी पास्ट की बातें याद करने लगता है कि किस तरह से वो एक लेडी को नहीं बचा पाया, उसकी वजह से एक लेडी की जान चली गई,
और वेल पास्ट की बात याद करते करते जियांग अचानक से खुद भी रुक जाता है, जिसे इवन हान भी नोटिस कर लेती है। पर भले ही जियांग थोड़ा सा अपना आपक हो चुका हो, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर हान मौजूद थी, जो कि टाइम रहते उस आदमी को बचा लेती है। और इवन कुछ ही देर में वहाँ पर एम्बुलेंस आकर उस आदमी को अपने साथ लेके चली जाती है। यहाँ पर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि इन्होंने किसी की जान बचाई है। लेकिन इसके साथ साथ इन्हें होश आता है अचानक से कि 9 से ज़्यादा हो चुके हैं, यानी कि इनकी लास्ट ट्रेन भी जा चुकी है और अब इन्हें अपने घर पहुँचने के लिए नेक्स्ट डे की ट्रेन का वेट करना होगा, जो कि 5 बजे की ट्रेन थी। वेल पूरी रात हान और जियांग इस तरह से रोड में तो नहीं रह सकते थे, जिसके चलते ये लोग होटल चले जाते हैं ताकि वो रात में कम से कम सो सके आराम से। और इवन इनकी किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी, जिसके चलते इन्हें 2 रूम भी मिल जाते हैं। बट यहाँ पर एक हल्की सी गड़बड़ थी। एक्चुअली में दूसरे रूम से जो है गेस्ट अभी अभी निकला हुआ है, जिसके चलते वो रूम थोड़ा सा गंदा है और उसे साफ करने में कम से कम 1 घंटा लगेगा, जिसके चलते ये लोग डिसाइड करते हैं कि 1 घंटे के लिए हान और जियांग एक ही रूम में रह लेंगे। वेल यहाँ पर हान और जियांग भले ही काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन स्टिल इन दोनों के जेंडर अलग अलग है। और ऊपर से बात आई जब एक ही रूम में रहने की, तो दोनों को ये काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा था। वेल इस माहौल को थोड़ा सा ठीक करने के लिए जियांग तुरंत ही कहने लगता है कि अरे फ्रिज के अंदर तो बियर मौजूद है, क्यों ना हम लोग बियर पिए। जिस पर जियांग फ्रिज में से एक बियर निकालकर हान को देता है और एक खुद पीता है, जिस पर हान भी बेड में बैठते हुए जियांग से कहने लगती है कि आओ तुम भी बेड में बैठ जाओ, आराम से बैठ के हम बियर पीते हैं। बट यहाँ पर हो जाती है एक और बार गड़बड़। जियांग जैसे ही बेड में बैठने लगता है तो वो गलती से हान के ही हाथ में बैठ जाता है। पर खैर एक बार फिर से लोग माहौल को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं और साथ में काफी सारी बियर्स भी पीते हैं, जहाँ पर हान जियांग से कहने लगती है कि मेरा इंटरव्यू तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग शायद सब यहाँ पर इसलिए आए होंगे ताकि हम उस पर्सन की जान बचा सके। वेल हान जब ये बात जियांग को बताने में लगी हुई थी, तो वहीं पे जियांग उबासी लेने में लगा था, जो कि हान को काफी ज्यादा बुरी भी फील होती है। जिस पर हान जियांग से कहने लगती है कि शायद से तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, और मैंने इवन काफी बार नोटिस भी करा हुआ है कि तुम सुबह सुबह जॉगिंग के लिए चले जाते हो और रात को काफी लेट सोते हो, तुम्हें अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, अदरवाइज तुम्हारे हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में हान को घर से कॉल आने लगता है, जिसके चलते हान कॉल पिक करने के लिए रूम से बाहर चली जाती है। हान अपनी मॉम को बता देती है कि उसकी ट्रेन में सो चुकी है, जिसके चलते अब वो कल ही घर पहुंचेगी। जिसके बाद हान को तुरंत ली हॉन्ग का कॉल आता है, जहाँ पर बातों बातों में गलती से हान ली हॉन्ग को ये बात बता देती है कि उसके साथ जियांग भी मौजूद है। और फिर होना क्या था, ये बात पता चलते ही ली हॉन्ग तो कुछ ज्यादा ही हान को अब टीज करने लगती है। ली हॉन्ग हान को कहने लगती है कि हो ना हो जियांग तुम्हें लाइक करता है, इसी रीजन की वजह से वो वहाँ पर आया है, अदरवाइज कोई भी लड़का अपना टाइम वेस्ट क्यों करना पसंद करेगा, कोई लड़का इस तरह से तुम्हारे साथ क्यों आएगा। वेल अब हम जियांग को देख पाते हैं, जो कि ड्रिंक करते करते वहीं पे सो चुका था, और इवन यहाँ पर जियांग को ढंग से नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि जियांग को बार बार यही नाइटमेयर्स आने में लगे हुए थे कि उसने किसी की जान ले ली, वो किसी पर्सन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और वेल ये सपना देखने के बाद अचानक से जियांग की आँख खुल जाती है डर के मारे, और थोड़ी देर में वहाँ पर हान भी पहुँच जाती है। वेल हान जियांग को आकर कहने लगती है कि मेरा रूम ठीक हो चुका है, जिसके चलते अब मैं वहाँ पर जा रही हूँ सोने के लिए। वेल जियांग तो यहाँ पर डरा हुआ था, जिसके चलते जियांग तुरंत ही हान का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर रह सकती हो। वेल ऑफ कोर्स जिस वे में जियांग ने हान को कहा था वो थोड़ा सा अजीब था, जिसे नॉर्मल करने के लिए जियांग हान से कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर कार्ड्स देखे हैं, क्यों ना हम दोनों पूरी रात बैठकर कार्ड्स खेले, तुम्हें मैं इसी बहाने सिखा भी दूंगा कि कार्ड्स कैसे खेला जाता है। वेल अब हान और जियांग अपना गेम खेलना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर शुरुआत में तो जियांग हान को पूरे के पूरे गेम्स के रूल बता देते हैं और कहने लगता है कि तुम्हें बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो इस गेम में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। और इवन इनके बीच में ये भी शर्त लगती है कि जो भी इस गेम को जीतेगा वो दूसरे पर्सन के व्रिस्ट में मार सकता है, काफी तेज तेज वो भी। वेल हान को पूरा का पूरा गेम समझाने के बाद जैसे ये लोग गेम खेलना शुरू करते हैं, तो गेस व्हाट, लास्ट में हान ही गेम जीत जाती है। और हान नॉर्मली नहीं जीतती मैच, बल्कि प्रो तरीके से जीत जाती है। हान को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो काफी टाइम से इस गेम को खेलती आ रही है। वेल जियांग तो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता था, स्पेशली हान के सामने, जिसके चलते जियांग हान से कहने लगता है कि ये तो ट्रायल चल रहा था, मैं जानबूझ के हल्के में गेम खेल रहा था ताकि तुम्हें बता सकूं कि किस तरह से गेम को जीता जाता है। लेकिन हान जियांग की बात सुनने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी, जिसके चलते हान तुरंत ही जियांग के व्रिस्ट को पकड़ती है और उसमें 3 बार जोर जोर से मारती है।
वेल यहाँ पर हान और जियोंग को दोनों को ही एक साथ खेलने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी हान के मन में काफी सारी बातें चल रही थी। हान यहाँ पर जियोंग से जानना चाहती थी कि जियोंग इतनी दूर से क्यों यहाँ पर आया हुआ है, क्या वो सच में हान की फिक्र करता है। इसके साथ साथ हान ये भी जानना चाहती थी कि जियोंग ने उसका रिस्ट क्यों पकड़ा, क्यों जियोंग ने मना करा हान को अपने रूम में जाने के लिए। खैर भले हान के मन में काफी सारी बातें चल रही हो, लेकिन इसके बावजूद भी हान जियोंग से एक भी सवाल का जवाब नहीं पूछ पाती। मतलब नेक्स्ट डे हम दायोंग को देख पाते हैं, जहाँ पर दायोंग की बेटी अपने फादर से कहने लग जाती है कि फादर आज मैं अपना हेयर कट करवाने के लिए जा रही हूँ, तो क्या आप मुझे थोड़े पैसे देंगे। जिस पर दायोंग अपनी बेटी के साथ मजाक करते हुए थोड़े से पैसे उसे देता है और कहने लगता है कि तुम्हें वैसे भी अपने बाल ही तो कटवाने हैं, तो तुम्हें ज्यादा पैसों की क्या जरूरत। लेकिन दायोंग की बेटी दायोंग के इस मजाक को नहीं समझती, उल्टा उन्हें अपने फादर का मजाक भी काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा था, जिसके चलते दायोंग की बेटी तुरंत ही गुस्से में घर से बाहर चली जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ ली होंग भी अपने बेटे के साथ बाहर पार्क में घूमने के लिए गई हुई थी, जहां पर ली होंग का बेटा चाहता था कि उनकी मॉम जो है किसी इंसेक्ट को पकड़ के दिखाए, बट ली होंग काफी कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इंसेक्ट को नहीं पकड़ पाती। और इस रीजन की वजह से ली होंग का बेटा भी ली होंग पे काफी गुस्सा हो जाता है, कहने लगता है कि आपसे एक काम भी ढंग से नहीं होता, उल्टा आपके चक्कर में तो वो इंसेक्ट भी यहाँ से भाग गए। मतलब वहीं पे हान और जियोंग भी सुबह सुबह अपने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन घर पहुंचने से पहले ये लोग गाड़ी रोककर वहीं पे उतर जाते हैं, ताकि हान की फैमिली मेंबर्स को मालूम ना पड़े कि जियोंग और हान एक साथ थे। जिसके बाद हान अकेले अपने घर की तरफ चली जाती है, लेकिन इससे पहले कि हान अपने घर में पहुंच पाती, गेट पर ही हान को अपनी मॉम और अपना भाई दिख जाता है, जहां पर नाम अपनी मॉम को कहने में लगा हुआ था कि मेरे अकॉर्डिंग हान का सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा, इसी रीजन की वजह से उन्होंने कॉल पे हमें कुछ नहीं बताया, इसी रीजन की वजह से हान ने हमसे ये कहा कि वो घर आकर हमें सब कुछ बताएगी। और वेल हान यहाँ पर अपनी मॉम और अपने भाई की इस तरह की बातें सुनकर काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाती है और अपने घर जाने के बजाय दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। मतलब वहीं पे दूसरी तरफ जब जियोंग घर पहुंचता है तो छत पर हान की मॉम भी मौजूद थी, जो कि कपड़े सुखाने में लगी हुई थी। वेल हान की मॉम सबसे पहले तो जियोंग से थैंक यू कहती है, क्योंकि जियोंग ने काफी अच्छी तरह से उसके रिश्तेदारों की बेइज्जती करी थी। इसके साथ साथ हान की मॉम जियोंग से ये भी कहने लगती है कि जब कभी भी तुम अपना क्लिनिक दोबारा ओपन करोगे तो तुम्हारे क्लिनिक में मैं जरूर आऊंगी। जिस पर जियोंग हान की मॉम की तारीफ करते हुए कहने लगता है कि आपको क्लिनिक में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी काफी ज्यादा सुंदर हो। यहाँ पर जियोंग की बात से खुश हो हान की मॉम जियोंग से कहने लगती है कि मैं तुम्हें आज खाने पे बुलाना चाहती थी, लेकिन अभी हान घर पे है ही नहीं, जिसके चलते मैं तुम्हें बुला नहीं सकती। वेल शुरुआत में तो जियोंग को लगता है कि शायद से हान कोई सामान लेने के लिए गई होगी और इसी रीजन की वजह से वो अभी घर पे नहीं है, जिसके चलते जियोंग हान की मॉम से पूछने लगता है कि हान अभी कहाँ पर गई हुई है, जिस पर हान की मॉम बताने लगती है कि वो इंटरव्यू के लिए गई हुई थी और उसके बाद से अभी घर पहुंची ही नहीं। वेल ये बात पता चलने के बाद जियोंग तुरंत ही अपने कमरे में जाकर सबसे पहले हान को कॉल मिलाता है और उससे पूछने लगता है कि वो अभी कहाँ पर है, जिस पर हान भी जियोंग से झूठ बोलते हुए कहने लग जाती है कि मैं अभी घर पर हूँ, लेकिन बैकग्राउंड की नॉइज सुनकर जियोंग अच्छे से समझ जाता है कि हान अभी कहां पर होगी। और वेल यहां पर हान और कहीं नहीं बल्कि गेम लोकेशन में ही गई हुई थी, जहां पर जियोंग भी कुछ ही देर में पहुंचकर हान का सबसे पहले तो कान खींचता है, क्योंकि जियोंग को हान पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पहले तो हान ने जियोंग से झूठ बोला और उसके साथ साथ वो अभी तक अपने घर नहीं गई, हान के घर वाले उसकी कितनी ज्यादा टेंशन करने में लगे हुए हैं। पर खैर अब दोनों के दोनों बाहर आ ही चुके थे, जिसके चलते अब होना क्या था, दोनों के दोनों एक बार फिर से लग जाते हैं गेम खेलने में। मतलब खाना खाने के बाद जियोंग यहाँ पर हान से पूछने लगता है कि क्या तुम अब नॉर्मल फील कर रही हो, क्या तुम अब अपने घर जाओगी, जिसे सुन हान 2 मिनट के लिए तो शांत हो जाती है। हान को समझ नहीं आता कि जियोंग को इस बारे में कैसे मालूम पड़ा कि मैं जानबूझ के घर नहीं जाना चाहती हूँ। यहाँ पर इसके साथ साथ जियोंग भी हान के रिएक्शन को देखकर समझ चुका था कि हान स्टिल अभी भी अपने घर नहीं जाना चाहती, जिसके चलते जियोंग हान से कहने लगता है कि क्या हम वहाँ पर चले। और वेल यहाँ पर जियोंग हान को और कहीं नहीं बल्कि अपने स्कूल ही लेके जाता है, ताकि वो पास्ट की मेमोरीज को एक बार फिर से रिमेम्बर कर सके। और इतना ही नहीं बल्कि जियोंग तो उल्टा हान को क्लास रूम में भी लेके जाता है, ये कहते हुए कि कोई बात नहीं, अगर गार्ड ने हमें देख लिया तो हम तुरंत ही कमरे से भाग जाएंगे। वेल दोनों के दोनों काफी टाइम बाद अपने क्लास रूम में जाकर काफी ज्यादा खुश फील कर रहे थे। इवन यहाँ पर जियोंग हान की भी एक्टिंग करने लगता है कि किस तरह से हान अपने स्कूल टाइम में पढ़ा करती थी पागलों की तरह और कॉफी खाने में लगी रहती थी। जिस पर हान जियोंग से कहने लगती है कि अगर तुम्हें मौका मिले पास्ट में वापस जाने का तो तुम क्या करोगे, जहाँ पर जियोंग तो कहने लगता है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करूँगा, तुम बताओ तुम पास्ट में जाके क्या करोगी, जिस पर हान का कहना था कि वो पास्ट में जाकर एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करेगी।
जिसे सुनकर जियांग हान से पूछने लगता है कि मुझे समझ नहीं आया कि तुम एंट्रेंस एग्जाम में फेल कैसे हो गई, तुम तो काफी ज्यादा पढ़ने में तेज थी। जिस पर हान जियांग को बताने लगती है कि एक्चुअली में एग्जाम वाले दिन वो काफी ज्यादा बीमार पड़ गई थी और इस रीजन की वजह से उसके काफी सारे क्वेश्चंस गलत चले गए। और इतना ही नहीं बल्कि इसके बावजूद भी हान को एक्सपेक्टेशन थी कि वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर ही लेगी, उसका एडमिशन उसके फेवरेट कॉलेज में हो ही जाएगा। बट रिजल्ट देखने के बाद हान काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। वो टाइम उसके लिए काफी ज्यादा हार्ड था क्योंकि एक तो हान का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया जो कि हान का बचपन का ड्रीम था, और उसके साथ साथ उसके फैमिली मेंबर्स को हान से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी और उस एक्सपेक्टेशन को हान फुलफिल नहीं कर पाई। मतलब ऐसा कहने के बाद हान जैसी क्लासरूम से बाहर जाने लगती है तो तुरंत ही जियांग एक बार फिर से हान को रोकते हुए कहने लगता है कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं पास्ट में जाकर क्या करूंगा, तो अगर मुझे पास्ट में जाने का मौका मिलेगा तो मैं पास्ट में जाकर तुम्हें कस के गले लगाऊंगा क्योंकि तुम्हारा पास्ट वाला रूप काफी ज्यादा स्ट्रगल कर चुका है। वेल, जिस टाइम पर जियांग ने ये बात हान को कही थी तो ये बात सुनकर हान काफी देर तक जियांग को देखती रह जाती है कि तभी अचानक से ये लोग नोटिस कर पाते हैं कि क्लासरूम की तरफ एक गार्ड आने में लगा हुआ है और वेल हान और जियांग पकड़े ना जाए जिसके चलते दोनों के दोनों तुरंत ही भाग कर एक डेस्क के पीछे छुप जाते हैं। वेल गार्ड तो वहां से चले जाता है लेकिन छुपने के चक्कर में हान और जियांग एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और इस रीजन की वजह से दोनों के बीच में एक बार फिर से ऑकवर्डनेस आ जाती है। अब ड्रामा थोड़ा आगे बढ़ता है जहां पर हान अपने घर पहुंचने के बाद अपने मॉम के पूछते ही तुरंत ही अपनी मॉम को सब कुछ क्लियरली कह देती है कि उसका इंटरव्यू होने से पहले ही कैंसिल हो चुका था। और हान आगे कहने लगती है कि उसे कुछ टाइम और रेस्ट करने की जरूरत है, उसने डिसाइड किया है कि वो कुछ टाइम और जॉब नहीं करेगी, अभी वो कुछ टाइम के लिए और ज्यादा ब्रेक लेगी। और ऐसा कहने के बाद हान अपने कमरे में चली जाती है और इवन यहाँ पर हान को काफी ज्यादा रिलैक्स भी फील हो रहा था। हान को समझ नहीं आ रहा था शुरुआत में कि वो किस तरह से अपनी मॉम को ये बात कहेगी, लेकिन जियांग के मोटिवेशन की वजह से हान फाइनली अपनी मॉम को सारी सच्चाई कह चुकी है, जिसके बाद हान जियांग को मैसेज कर उसे बता देती है कि उसने अपनी मॉम को सारी बात सच सच बता दी। और इस चीज के लिए हान जियांग की काफी ज्यादा थैंकफुल है क्योंकि जियांग की वजह से हान के पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आया। वेल, अब यहाँ पर जियांग ने हान से बात करने के बाद फोन रखा ही था कि तभी इतने में जियांग को क्यूनमिन का कॉल आ जाता है। क्यूनमिन जियांग से कहने लगता है कि उसे जियांग से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है, जिसके चलते वो कल के कल जियांग से मिलना चाहता है कैफे शॉप में। वेल, अब नेक्स्ट डे जब जियांग क्यूनमिन से मिलने के लिए जाता है तो यहाँ पर क्यूनमिन जियांग के सामने एक पेन रखते हुए कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे ऑफिस से ये मिला, मैं कुछ सामान लेने के लिए तुम्हारे ऑफिस में गया हुआ था लेकिन वहाँ पर पहुंचकर मुझे एक पेन दिखाई दिया। शुरुआत में तो मुझे लग रहा था कि ये नॉर्मल पेन है लेकिन ध्यान से देखने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये पेन नहीं बल्कि तुम्हें कैप्चर करने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, यानी कि किसी ने जानबूझकर तुम पे नजर रखी हुई है और इसका मतलब ये भी है कि कोई जानबूझकर तुम्हें फंसाने की कोशिश भी कर रहा है। ये बात सुनते ही जियांग भागकर अपने क्लिनिक जाकर अपने क्लिनिक की अच्छे से तलाशी लेता है और एक बार फिर से जियांग को क्लिनिक की तलाशी लेते टाइम वो पेन दिख जाता है जिसमें सीसीटीवी कैमरा अटैच था। और वेल, इस बात के बारे में पता चलते ही जियांग तुरंत क्विनमिन के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस वालों को कम्प्लेन कर देता है कि उसके ऊपर किसी ने नजर रखी हुई है और पुलिस वाले को इस चीज का जल्द से जल्द पता लगाना है कि किस पर्सन का ये काम है, किसने जानबूझकर जियांग के ऊपर नजर रखी हुई थी, क्योंकि क्या पता जिस पर्सन ने जियांग के ऊपर नजर रखी हुई है उसी पर्सन ने जानबूझकर जियांग को इस केस में फंसाने की कोशिश करी होगी। मतलब पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद सबसे पहले तो जियांग क्विनमिन को थैंक यू कहता है क्योंकि क्विनमिन की वजह से जियांग को इस बारे में पता चला, लेकिन इसके साथ साथ जियांग क्विनमिन से ये भी कहने लगता है कि अगर तुम्हें इस बारे में पता लग गया था तो तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर जियांग कहने लगता है कि परसों मैं तुम्हारे घर गया था लेकिन वहां पर ताला लगा हुआ था जिसके चलते मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाया। जहां पर जियांग का मानना था कि क्विनमिन इस बारे में कल भी उसे बता सकता था, जब क्विनमिन ने जियांग को कॉल किया था तो उसी टाइम पर क्विनमिन को इस बारे में जियांग को बता देना चाहिए था, पर खैर इसके बाद जियांग क्विनमिन से कहने लगता है कि तुम्हें एक बार हान को कॉल कर माफी मांगनी चाहिए, भले ही तुमने दूसरे हॉस्पिटल वालों को सच सच बताया हो लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारी वजह से हान का इंटरव्यू कैंसिल हुआ। वेल, यहाँ पर एक बार फिर से जियांग के मुंह से हान के बारे में सुनकर क्विनमिन जियांग को रोकते हुए कहने लगता है कि कहीं तुम हान को लाइक तो नहीं करने लग गए, जिस पर जियांग क्विनमिन को कहने लगता है कि मुझे इस बारे में खुद नहीं मालूम कि मैं उसे लाइक करता हूँ कि नहीं करता हूँ, लेकिन इस बारे में तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझता, जिस पर क्विनमिन जियांग को कहने लगता है कि अगर तुम हान के लिए सचमुच में फील करते होगे तो मैं तुम्हारी इस बात से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाऊंगा क्योंकि भले ये फीलिंग तुम्हें खुश कर रही है लेकिन अभी तुम्हारे पास खुश होने का टाइम नहीं है। और आगे चल के क्या पता जियांग केस हार जाए और इस चीज की वजह से वो जेल में चले जाए, और जियांग के जेल जाने की वजह से हो सकता है कि हान को भी काफी बुरा फील हो।
वहीं पे दूसरी तरफ हान भी अपनी फ्रेंड के साथ ड्रिंक करने के लिए गई हुई थी, जहाँ पर हान को भी ली होंग बार बार यही कहने में लगी हुई थी कि शायद से तुम जियोंग के लिए फील करने लग गई हो और इवन मेरे अकॉर्डिंग जियोंग भी तुम्हें लाइक करता है, अदरवाइज कोई भी लड़का इतना फ्री नहीं है कि वो दूसरी लड़की के लिए टाइम निकाले। वेल अब होना क्या था, हान ने तो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और अब हान के मन में भी यही बात चल रही थी कि क्या सच में जियोंग उसके लिए फील करता है, जिसके चलते हान जैसे ही जियोंग को छत में जाता हुआ देखती है तो तुरंत ही जियोंग के पीछे पीछे चली जाती है उससे बात पूछने के लिए। हान जियोंग से पूछने लगती है कि तुम मेरी इतनी ज़्यादा केयर क्यों करने में लगे हो, तुमने मेरे रिस्ट को पकड़ा, तुमने मुझे रोका और कहा कि मेरे साथ तुम थोड़ी देर गेम खेलो। हान आगे कहती है कि क्या तुम मेरे लिए फील करते हो, मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हूँ, तुम मेरे सारे के सारे डाउट्स फटाफट से क्लियर कर दो। फिर हान के मुँह से ये बात सुनकर इवन जियोंग भी अपनी फीलिंग हान को बताना चाहता था, लेकिन अचानक से जियोंग फीलिंग बताते बताते वहीं पे रुक जाता है। जियोंग को याद आने लगता है कि उसे क्योरमिन ने कहा था कि उसे अभी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जियोंग खुद अभी मुसीबत में है, जिसके चलते इस बार जियोंग हान से झूठ कहते हुए कहने लग जाता है कि मुझे नहीं मालूम तुमने क्या फील करा, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें लाइक नहीं करा है और मैं इस चीज़ के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा कि मैं अपनी लिमिट में रहूँ। और वेल ये दोनों इस बार में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से ये लोग किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनते हैं और इसके बाद इन्हें मालूम पड़ता है कि छत में सिर्फ और सिर्फ ये दोनों मौजूद नहीं है बल्कि छत में हान की मॉम, हान का भाई और हान के अंकल भी मौजूद है जो कि इनकी ये बात सुन चुके हैं। वेल जियोंग ने ये बात हान को अकेले में कही होती तो हान को ज़्यादा बुरा नहीं लगता, लेकिन इस बार हान की इंसल्ट उसके फैमिली मेंबर्स के सामने हो चुकी है जिसके चलते हान को काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। हान तुरंत ही अपने कमरे में जाकर बेड में अपना सर पटकने लग जाती है। वहीं पे हान के पीछे पीछे उसकी मॉम, भाई और अंकल भी पहुंच जाते हैं जो कि आपस में बात करने में लगे हुए थे। हान के भाई और अंकल का मानना था कि हान ने अभी अभी जियोंग को प्रपोज करा है और जियोंग ने क्लियरली हान को रिजेक्ट कर दिया। वहीं पे हान की मॉम का मानना था कि हान ने जियोंग को प्रपोज नहीं करा, हान ने सिर्फ और सिर्फ जियोंग को अपनी फीलिंग्स बताई। हान ने जियोंग से तो उल्टा ये पूछा कि क्या वो उसके लिए फील करता है कि नहीं करता है। वेल इनकी ये बकवास सुनकर हान गुस्से में कमरे के बाहर आती है और कहने लगती है कि मैं जियोंग के लिए बिल्कुल भी फील नहीं करती हूँ और जियोंग ने मुझे रिजेक्ट नहीं करा है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ जियोंग की फीलिंग के बारे में उससे पूछने के लिए गई हुई थी, उसकी फीलिंग क्लियर करने के लिए गई हुई थी। और ऐसा कहने के बाद एक बार फिर से हान अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि हान और जियोंग दोनों के दोनों अपने कमरे में बैठकर तेज तेज से चिल्लाने लग जाते हैं क्योंकि दोनों को अफसोस हो रहा था कि उन्होंने गलती से क्या बोल दिया। पर खैर अब नेक्स्ट डे से जियोंग की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है क्योंकि जियोंग ने हान को जो रिजेक्ट करा है, जिसके चलते नेक्स्ट डे जब जियोंग सुबह सुबह बाहर निकलता है तो वहां पर छत में हान की मॉम भी मौजूद थी जो कि शुरुआत में पौधों में पानी डालने में लगी हुई थी और जैसे ही वो देखती है कि जियोंग बाहर की तरफ जाने में लगा हुआ है तो तुरंत ही हान की मॉम जियोंग के ऊपर भी पानी फेंकने लग जाती है। और इतना ही नहीं बल्कि जियोंग को भूख लग रही थी जिसके चलते जियोंग नीचे जाकर हान के अंकल से खाना मांगने लगता है, जिस पर हान के अंकल जियोंग से कहने लगते हैं कि आज शॉप बंद है क्योंकि अभी कोई भी सामान यहाँ पर नहीं पहुँचा है, जबकि जियोंग क्लियरली देख पा रहा था कि ऑलरेडी शॉप में सामान पहुंच चुका है, सिर्फ और सिर्फ हान के अंकल उससे झूठ बोलने में लगे हुए हैं। पर खैर जियोंग को तो भूख लगी हुई थी जिसके चलते जियोंग तुरंत ही रिलायंस जाता है खाना लेने के लिए और इवन यहाँ पर जियोंग को अपनी फेवरेट चॉकलेट भी वहाँ पर दिख जाती है जिसका लास्ट पीस बचा हुआ था। वेल जियोंग तो काफी खुश था कि उसे उसकी चॉकलेट मिल गई, लेकिन इससे पहले कि जियोंग उस चॉकलेट को उठा पाता उतने में वहाँ पर हान का भाई आ जाता है और यहाँ पर नाम जियोंग के उठाने से पहले उस चॉकलेट को खुद उठाकर वहाँ से खाता हुआ निकल जाता है। वेल अब हम देख पाते हैं ली होंग और दायोंग को जो कि अपने अपने कमरे की तरफ जा रहे थे और इवन यहाँ पर दायोंग नोटिस कर पाता है कि ली होंग सर्च मारने में लगी हुई है कि किस तरह से इंसेक्ट को कैप्चर करा जाए। वेल अब दोनों के दोनों साथ में लिफ्ट के अंदर चढ़ते हैं कि तभी अचानक से ली होंग के कपड़े में एक बग बैठ जाती है, जिसे देखकर ली होंग तो काफी डर चुकी थी लेकिन दायोंग बिल्कुल ही चिल था। दायोंग ली होंग को शांत रहने के लिए कहते हैं और काफी इजीली उस बग को अपने हाथ में भी पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर ली होंग काफी इंप्रेस्ड हो जाती है और दायोंग से कहने लगती है कि क्या आपको इंसेक्ट पकड़ना आता है, जिसके जवाब में दायोंग ली होंग को हाँ कहता है और इवन यहाँ पर दायोंग की नजर पड़ जाती है ली होंग के बैच के ऊपर, जहाँ पर दायोंग उस बैच को पढ़कर समझ चुका था कि उसके सामने जो लेडी मौजूद है वो और कोई नहीं बल्कि ली होंग है, जिसे देख दायोंग काफी तेज से चिल्लाते हुए ली होंग से कहने लगता है कि क्या आपका नाम ली होंग है, और वहीं पे ली होंग दायोंग से कहने लगती है कि क्या आप मुझे जानते हो, और यहीं पे ये सीन कट होता है।
अब वापस से सीन जियोंग की तरफ शिफ्ट होता है जो कि अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी रास्ते में उसे हान दिख जाती है। वेल, हान तो जियोंग को देखकर काफी ज्यादा शर्मिंदगी फील कर रही थी, जिसके चलते वो जियोंग को हाय कहने के बजाय तुरंत ही वहां से भागने लगती है। लेकिन जियोंग तुरंत ही हान को रोक देता और कहने लगता है कि कल जो कुछ भी हुआ हमें उस बात को भूल जाना चाहिए और नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। जिस पर हान भी जियोंग को प्रॉमिस करती है कि अगली बार जब वो जियोंग को देखेगी तो बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेव करेगी। बट हान कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, हान को तो अब जियोंग से काफी ज्यादा शर्म आने में लगी हुई थी, जिसके चलते जैसे ही हान जियोंग को मेट्रो स्टेशन में देखती है तो एक बार फिर से जियोंग को देखकर डर जाती है। जिस पर एक बार फिर से जियोंग हान को रोकते हुए कहने लग जाता है कि हमने प्रॉमिस किया था ना कि हम दोनों एक दूसरे के साथ नॉर्मल बिहेव करेंगे। जहाँ पर हान भी क्लियरली जियोंग को कह देती है कि कल उसने काफी उल्टा सीधा कह दिया था, उसकी गलती की वजह से उसने काफी ज्यादा जियोंग को फालतू बता दिया था और इस रीजन की वजह से अब उसे शर्म आ रही है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह से जियोंग को फेस करे। जिस पर जियोंग अब हान को कहने लगता है कि कल मैंने इसलिए ये सब कुछ कहा क्योंकि अभी मैं प्रॉपरली ओपन नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ऊपर लिमिट्स लगी हुई है, अभी मेरे को बिल्कुल भी हक नहीं है प्रॉपरली ओपन होने का। वेल, हान को तो जियोंग की बात समझ नहीं आती कि जियोंग इतनी अजीब सी बात उससे क्यों कहने में लगा हुआ है। पर खैर, हान और जियोंग अब मेट्रो से वहां से जाने लगते हैं, जहाँ पर जियोंग देखता है कि कोई पर्सन गलती से स्टेयर से गिर गया था और इस रीजन की वजह से उसका ब्लड जमीन पे पड़ा हुआ था। वेल, हान तो ये चीज देखकर यही विश करती है कि वो पर्सन सही सलामत हो, लेकिन वहीं पे जियोंग उस ब्लड को देखकर काफी डर जाता है। और वेल, यहाँ पर हान भी नोटिस कर लेती है कि जियोंग अभी काफी ज्यादा डरा हुआ है और इस तरह से हान ने कभी भी जियोंग को नहीं देखा था। तब यहीं पे ये सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि हान अपने साइकेट्रिस्ट के पास गई हुई थी अपनी कंडीशन के बारे में पूछने के लिए, यानी कि ये पता करने के लिए कि क्या उसकी बॉडी में से डिप्रेशन की मात्रा थोड़ी भी कम हुई। जिस पर डॉक्टर का कहना था कि हान ने अभी भी इतना ज्यादा इम्प्रूव नहीं करा है, यानी कि हान को अभी भी स्टिल रेस्ट करने की जरूरत है। इसके साथ साथ डॉक्टर हान से भी पूछने लगता है कि क्या अभी भी उसे एक्सीडेंट की बातें याद आने लगती है। जिस पर हान का कहना था कि नहीं, अभी तो उसे एक्सीडेंट की बातें ज्यादा याद आती नहीं है। जिस पर डॉक्टर कहने लगता है कि ये तो अच्छी बात है, मोस्टली लोगों को PTSD डेवलप हो जाती है जब भी उनके सामने कोई खतरनाक एक्सीडेंट होता है, तो इस रीजन की वजह से बार बार उनके माइंड में वही बात आने लग जाती है। वो चीज कुछ भी हो सकती है, या तो वो कार एक्सीडेंट हो सकता है, या तो फिर तुम लोग फेल हो गए वो हो सकता है, और स्पेशली डॉक्टर लोगों के लिए मेडिकल एक्सीडेंट होना तो और भी ज्यादा खतरनाक होता है, जैसे पेशेंट को ठीक करते टाइम गलती से पेशेंट की डेथ हो जाए। और ये बात डॉक्टर्स लोगों के माइंड में काफी ढंग से बैठ जाती है, बार बार उन्हें यही बात याद आने लगती है और इस रीजन की वजह से वो ढंग से सो भी नहीं पाते, और इस रीजन की वजह से उन लोगों को काफी ज्यादा सांस लेने में तकलीफ होती है, बीच बीच में वो रुक जाते हैं और इवन जैसे ही खून देखते हैं तो बार बार उन्हें वही बात याद आने लगती है। बिलहान यहाँ पर डॉक्टर की सारी बातें सुनने के बाद समझ जाती है कि जियोंग इतना ज्यादा कभी कभार वियर्ड बिहेव क्यों करता है, क्योंकि हान ने भी इवन नोटिस किया था कि पेशेंट को बचाते टाइम जियोंग अचानक से रुक गया था, वहीं पे जैसे जियोंग ने ब्लड देखा तो वो काफी ज्यादा डर गया था। और इसके साथ साथ हान को भी अच्छे से मालूम है कि जियोंग ढंग से सो नहीं पा रहा है, और इवन मेट्रो स्टेशन में भी हान को जियोंग ने यही कहा था कि उसके पास अभी बिल्कुल भी हक नहीं है खुल के जीने का। वेल, अब हम जियोंग को देख पाते हैं जो कि सोने में लगा हुआ था, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी जियोंग को नींद नहीं आ पा रही थी। जियोंग को बार बार वही नाइटमेयर्स आने में लगे हुए थे, जिसके बाद जियोंग अपने मन में कहने लग जाता है कि बार बार मैं वही सीन को देखने में लगा रहता हूँ, बार बार मैं अलग तरीके से उस पेशेंट को बचाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लास्ट में मैं उस पेशेंट को बचाने में कामयाब रहता हूँ। हर बार मेरी छोटी सी गलती की वजह से उस पेशेंट की जान चली जाती है और इस रीजन की वजह से मैं ढंग से सो भी नहीं पाता। इवन यहाँ पर जियोंग हान को भी याद करते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स तो रखता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकता, क्योंकि अभी मैं खुद प्रॉब्लम में पड़ा हुआ हूँ, खुद मैं अभी खुश नहीं रह पाता हूँ, तो किस मुंह से मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि तुम भी खुश रहो, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दूंगा। वेल, जियोंग ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक से वहां पर हान आकर तुरंत ही जियोंग को गले लगा लेती है और कहने लगती है कि मुझे मालूम है तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हार्ड टाइम है, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेल, अब एपिसोड 5 के एंडिंग में हान अपने मन में कहने लगती है कि तुम्हें हग करने के बाद मुझे फील हो पाया है कि तुम कितना ज्यादा अंदर से पेन फील कर रहे हो, मुझे काफी अच्छे से समझ आ रहा है कि तुम कितने ज्यादा सैड हो, इवन इस मोमेंट में हम दोनों ही काफी ज्यादा सैड है, हम दोनों का ही काफी ज्यादा टाइम पीरियड खराब चल रहा है। जिस पर जियोंग हान से कहने लगता है कि अभी तो मुझे खुश होने का बिल्कुल भी हक नहीं है, लेकिन कुछ देर पहले मैं तुम्हें ही मिस करने में लगा हुआ था, जिसे सुन हान के फेस में स्माइल आ जाती है और हान जियोंग को देखती ही रह जाती है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 5 का यहीं पे एंड होता है। आई होप आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, अगर सच में एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।